हमने हमारे भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने सभी समाज के लोगों ने कई बार हमने प्रशासन को ज्ञापन दे दिया, लेकिन प्रशासन के कोई जून नहीं, मतलब उनको कोई भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, नहीं कोई, जब हम आते हैं तो कलेक्टर का सो रहा है, कभी कलेक्टर छुट्टी पे जा रहा है, कभी प्रशासन के अभी पहुँचा ही नहीं, मौके पर हमारे लोग यहाँ पर ज्ञापन दे के चले जाते हैं, कोई कार्यवाही करने वाला नहीं है, सरकार सो रही है, प्रशासन सो रही है, क्या स्थिति बनी हुई है हमारे इस राजस्थान की। जिस दिन से कांग्रेस की सरकार आई है, यहाँ का प्रशासन किसी भी जनता की सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारे मसूदा विधानसभा और ब्यावर विधानसभा, हमारे माननीय शंकर सिंह जी रावत MP साहब, लगातार हम 3-4 बार ज्ञापन दे चुके हैं यहाँ पे। बराबर पिछली बार हमने एक मस्जिद का निर्माण हुआ था, अवैध मस्जिद का निर्माण हुआ था, उसको रोकने के लिए हमने ज्ञापन दिया, उसको रोका ही नहीं, उसके बाद में 7 और नई मस्जिदें बना दी गई और प्रशासन उसके पूछ रहा है अब हम कार्रवाई करेंगे। अरे कब कार्रवाई करोगे, जब एक मस्जिद बनी उसको आप नहीं रोक पाए, अब 7 मस्जिद वहाँ पर बन गई। यहाँ हमारे क्षेत्र में आकर के लोग बाहर से मौलवी आते हैं या अन्य कोई ऐसे असामाजिक तत्व आते हैं, हमारे आज तक चिता मेहरात जो हमारे हिंदू समाज के रहने वाले हैं, हमारे हिंदू रीति रिवाज में रहने वाले लोग हैं, उनको लालच दे करके उसको धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनको लोगों को कई उनके जो हमारे लोगों को ले जाके लालच दिए जाते हैं, उनको ज़बरदस्ती कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करो। ये हमारे शंकर सिंह जी मेरा समाज के रहने वाले, ये विजय सिंह जी हमारे मेरा समाज के रहने वाले, यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ता है हिंदू विचारधारा के मेरा समाज के रहने वाले, ये सब पृथ्वीराज चौहान के वंशज है, लेकिन इनको क्या है, केवल मात्र पैसों के लालच में धर्म परिवर्तन कराते हैं। लोग असामाजिक तत्व आके धर्म परिवर्तन के लिए लगे हुए हैं, वहाँ पे मौके पे आते हैं और कई ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराते हैं जो नहीं होने चाहिए, वो ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जमीनों पे कब्जे कर लेते हैं, वहाँ हमारी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। अभी मसूदा विधानसभा के क्षेत्र में कम से कम 5-6 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को वहाँ से जो है सामाजिक लेके, जिसमें 2 लड़कियों को तो वापस लेके आए हैं, उसमें पॉक्स एक्ट में बंद हुए हैं वहाँ के मुस्लिम समाज के कई लोग हैं। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो हमारे धर्म जो मेरा समाज के लोग हैं उनको ज़बरदस्ती, जिनको जलाया जाता है उनको ले जाके इकट्ठे होकर के गाड़ दिए जाते हैं ज़बरदस्ती। ऐसी गतिविधियाँ हो रही है, प्रशासन सो रहा है। हम जब लोग हमारे जनप्रतिनिधि, आज हमारे सांसद को हमारे यहाँ आना पड़ा, हमारे यहाँ के MLA को यहाँ पे आना पड़ा, हम लोगों के यहाँ पे आना पड़ा, ये काम प्रशासन का है, प्रशासन सोता क्यों है? जब जनता हित का काम है तो प्रशासन को मौके पे जाके तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। मैं और कहना चाहता हूँ, अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, जिस प्रकार से ये जो सवाई माधोपुर धौलपुर में करौली में जिस प्रकार से रेलें रोकी गई है, उस प्रकार से नेक्स्ट हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करेंगे, दूसरी बार फिर नहीं है अगर कार्रवाई और नहीं चाहते अगर प्रशासन, तो हम यहाँ पे आके मसूदा और ब्यावर को बंद कराएंगे, फिर अगर कोई अगर ये तीसरी बार फिर कार्रवाई नहीं करेंगे, इस अजमेर को हम बंद कराएंगे, फिर भी अगर ये कार्रवाई नहीं करी तो पूरे इस राजस्थान को बंद कराएंगे। हम चैन से रहने वाले नहीं है, हम इस प्रशासन को नींद हम उड़ा देंगे, अभी सो रहे हैं, उनकी बीमारी है उसको ठीक कर देंगे हम, ये और बता देता हूँ। हमारा देश एक सौहार्दपूर्ण है, ये देश ऐसा देश है जहाँ हर व्यक्ति
अपने धर्म को अपना सकते हैं, अपने धर्म को पालना कर सकते हैं। हमारा देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से रहते हैं, पर दुर्भाग्य है कि मसूदा और ब्यावर क्षेत्र ऐसा है जहां जबरन धर्म परिवर्तन की बहुत तेज़ी से जो प्रक्रिया चल रही है वो एक उद्वेलित कर रही है, आम जनता को उद्वेलित कर रही है। वहां बिगर परमिशन मस्जिदें बन रही है और इस वजह से एक बहुत बड़ा एक वहां वातावरण खराब होता जा रहा है। वहां हिंदू लड़कियों को उठा के लेके जा रहे हैं, इस तरह की वारदातें वहां आम होने लग गई है। इसलिए आज वहां के उस हमारे ब्यावर के विधायक शंकर सिंह जी राव साहब, हमारे पूर्व विधायक प्रतिनिधि और हमारे युवा नेता आदरणीय भंवर सिंह जी पलाड़ा साहब और सभी पार्टी के वरिष्ठजन और आम कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, उनको जबरन प्रलोभन देके, लालच देके और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। यह आने वाले समय में बहुत बड़ी एक दूषित वातावरण खड़ा हो सकता है। इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को, हालांकि यहाँ कलेक्टर साहब आज छुट्टी पे हैं, एडीएम साहब आ गए थे, एसपी साहब से हमारी बात हो गई है और हमने सारी प्रूफ सहित बता दी है कि बिगर परमिशन इस तरह के वहाँ मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। वहाँ यदि हिंदू वो उसके घर वाले कह रहे हैं और वो उनकी मृत्यु के बाद उनको जलाया जाता है, बलवती जबरदस्त से उनको गाड़ने के लिए जोर अजमाइश करके, अरे इस तरह का एक वातावरण खड़ा कर रहे हैं। इसके विरोध में हम सब आकर आज हमने कलेक्टर के नाम और एसपी और इनको और पूरे सरकार को हमने चेताया है कि ये प्रथा बंद हो, इस तरह का वातावरण नहीं होना चाहिए और सबको अधिकार है। आज हम कह रहे हैं कोई मुस्लिम भाई, यदि वो मुस्लिम भाई है तो अपना धर्म वो कहीं हम उसमें कहीं बार बार कई दफे यदि यहाँ ज्ञापन दिया गया है और ये कह रहे हैं, प्रशासन भी कह रहे हैं कि हमने उसमें गिरफ्तारी भी करी है, पर ये सिर्फ गिरफ्तारी से चलने वाला नहीं है। अब प्रशासन को एक्शन लेना होगा और इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं उनको तुरंत रोकना पड़ेगा। यदि नहीं रोका तो ये बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, हमारा सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है वो बिगड़ सकता है। इसके लिए हम सबको सोचने की ज़रूरत है, ये हमने प्रशासन को इस आगाह कर दिया। एसपी साहब ने कहा हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जहाँ जहाँ भी जो अवैध मस्जिद का निर्माण हो रहा है, जबरदस्ती से लालच में धन देकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यदि जो जो भी हमारे पास इस तरह का प्रकरण आएगा हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे।